कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, तभी इस वीडियो पे क्लिक किए हैं। तो अगर आप इस मार्च और अप्रैल कहीं घूमने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप क्लिक कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के टॉप 5 प्लेसेस के बारे में जहां आप इस मार्च या अप्रैल में ट्रेवलिंग के लिए अपना बकेट लिस्ट में रख सकते हैं। गाइज, इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग मार्च और अप्रैल बहुत ही स्पेशल मंथ होता है, क्योंकि इस टाइम बसंत का टाइम होता है, यानी कि बिल्कुल प्लीजेंट टेम्परेचर आपको मिलने वाला है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं इस वीडियो में आपको इंडिया के टॉप 5 प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूं, जहां जाएंगे तो मौसम बहुत ही शानदार मिलने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवासगिरी के। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, और वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक बटन को भी जरूर हिट कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है उदयपुर। गाइज, उदयपुर राजस्थान का एक बहुत ही प्यारा सिटी है, जिसे लेक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के गर्म होने के कारण उदयपुर आप पूरे साल तो नहीं घूम सकते, लेकिन मार्च का टाइम बेस्ट होता है उदयपुर के लिए, क्योंकि इसके बाद समर का टाइम शुरू हो जाता है। उदयपुर अपने लेक के साथ ही हिंदू धर्म का बहुत ही खास फेस्टिवल होली के लिए भी जाना जाता है। गाइज, उदयपुर का होली बहुत ही खास होता है। आप राजस्थानी स्टाइल में होली खेलना चाहते हैं तो उदयपुर एक बार आप जरूर विजिट करें होली में। यहां आने के लिए मेजर सिटी से उदयपुर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन इजीली अवेलेबल हो जाएगा, साथ ही उदयपुर में एयरपोर्ट भी है। यहां के लिए 2 नाइट 3 डेज का टूर प्लान सफिशियंट है, जिसके लिए आपका 8,000 से 10,000 रुपए तक खर्च हो सकता है। उदयपुर में कहां कहां घूम सकते हैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट प्लेस की बात करूं तो वो है बनारस। गाइज, बनारस उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर के किनारे पे बसा हुआ हिंदू होली सिटी है, जिसे महादेव की नगरी के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसे सुकून का शहर भी कहा जाता है। यूपी बिहार की गर्मियों से तो आप सभी वाकिफ होंगे ही, इसीलिए संत के समय में बनारस घूमना बेस्ट ऑप्शन होता है। यहाँ के लिए 1 नाइट 2 डेज सफिशियंट है। गाइज, बनारस की गंगा आरती तो पूरे विश्व फेमस है, साथ ही बनारस को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। अगर आप सुकून के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं तो बनारस से बेस्ट जगह हो ही नहीं सकता है। बनारस के घाटों पे बैठ जाइए और आपका पूरा दिन कब निकल जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। शाम के समय में दशाश्वमेध घाट से गंगा आरती का जरूर विटनेस करें, साथ ही बनारस की तंग गलियों की चाय को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ घूमने की इस सारी प्लेसेस की डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तवांग की, जो अरुणाचल प्रदेश में बसा हुआ एक बहुत ही एडवेंचरस सिटी है। गाइज, अगर आप स्नो लवर हैं तो आप मार्च से अप्रैल में यहाँ ज़रूर विजिट करें। थोड़ी कम ठंड के साथ आपको स्नो का भी मज़ा मिल जाएगा। तवांग की हाइट 10,000 फीट है। यहाँ आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, जिसे माउंटेन सिकनेस भी कहते हैं, तो इसका अरेंजमेंट अपने साथ ज़रूर रखें। तवांग में आप अपना क्वालिटी टाइम बड़े ही सुकून के साथ बिता सकते हैं। आपका यहाँ 2 नाइट 3 डेज का टूर प्लान बना सकते हैं, जिसके लिए 8,000 से 10,000 रुपए तक खर्च हो सकता है। आप यहाँ तवांग मोनेस्ट्री, माधुरी लेक, सेला पास, बुमला पास जरूर विजिट करें। इसके अलावा भी काफी पॉइंट्स है विजिट करने के लिए, जिसका डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिए। गाइज, अगला डेस्टिनेशन है कोदईकनाल। गाइज, कोदईकनाल तमिलनाडु स्टेट में 2,200 फीट की हाइट पर बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। यहाँ का सीनिक ब्यूटी नेक्स्ट लेवल है। यहाँ आप साल के 12 महीने ट्रेवलिंग कर सकते हैं, लेकिन मार्च से अप्रैल में यहाँ टेम्परेचर और भी ज्यादा सुहाना रहती है। यहाँ के लिए 2 नाइट 3 डेज का टूर प्लान सफिशियंट है, जिसके लिए 10,000 से 12,000 रुपए पर पर्सन का खर्च हो सकता है। ये साउथ इंडिया का एक बहुत ही मैजिकल हिल स्टेशन है। यहाँ का वेदर आपको बहुत एंटरटेन करने वाला है। कोदईकनाल में घूमने को काफी प्लेसेस है, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेकआउट कर लीजिए। कोदईकनाल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोदईकनाल रोड है। यहाँ से इसका डिस्टेंस 80 किलोमीटर है और मदुरई रेलवे स्टेशन से 115 किलोमीटर की दूरी है।
कोदईकनाल के लिए तो आपको हर जगह से ट्रेन नहीं मिलेगी, लेकिन मदुरई रेलवे स्टेशन के लिए आपको ट्रेन इजिली अवेलेबल हो जाती है इंडिया के किसी भी कोने से। गाइज अब बात करते हैं इस लिस्ट के लास्ट डेस्टिनेशन गैंगटोक, जो सिक्किम का कैपिटल सिटी है। गाइज गैंगटोक एक बहुत ही सुंदर और साफ सिटी है। इसकी हाइट 5400 फीट है और यहाँ जाने के लिए आपको सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आना होगा। सिलीगुड़ी से गैंगटोक की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है, जिसके लिए शेयर्ड बस या टैक्सी अवेलेबल हो जाएगा, जो काफी बजट फ्रेंडली है। गाइज अगर आपको नॉर्थ सिक्किम का लाचेन, गुरुडोंगबर लेक, लाचुंग, जीरो पॉइंट, युमथांग वैली और ईस्ट सिक्किम का नाथुला पास, बाबा हरभजन सिंह टेम्पल और छंगू लेक जाना है तो आपको गैंगटोक ही आना होगा। गैंगटोक का एमजी मार्ग यानी मॉल रोड मेरे अनुसार इंडिया का बेस्ट मॉल रोड में से एक है। गैंगटोक और ईस्ट सिक्किम के लिए 2 नाइट 3 डेज का टूर प्लान सफिशियंट है। वहीं अगर आप नॉर्थ सिक्किम का प्लान करते हैं तो 4 नाइट 5 डेज का टाइम आपके पास होना चाहिए। गाइज गैंगटोक के सारे प्लेसेस का डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। अगर आपको गैंगटोक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप प्लीज एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इससे हमारा बहुत ही ज्यादा हौसला अफजाई होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। सो गाइस जब आपसे मिलते हैं एक नए यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।